नमस्कार दोस्तों, पोल्ट्री इंडिया टीवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का मुद्दा है पानी के टैंक को ऐसा क्लीन कैसे करें कि उसमें कोई वायरस और बैक्टीरिया ना रहे। बहुत सारे लोग कमेंट करके हमसे जानना चाह रहे हैं कि ये जो हम पानी का टैंक है उसको क्लीन कैसे करें, क्योंकि लोग उस पानी को पी भी रहे हैं, क्योंकि उनके आरओ की सीधी सप्लाई है। वो अपने बर्ड को भी पिला रहे हैं, अपने बच्चों को भी पिला रहे हैं, और ऐसा ना हो कि वो पानी हम उनके अच्छे के लिए पिला रहे हों और वो उनको नुकसान दे रहा हो। यह सच्चाई है, क्योंकि पानी के टैंक में वायरस और बैक्टीरिया इतने ग्रोथ कर जाते हैं, इकोलाई इतनी ग्रोथ कर जाती है कि हम नहाने तो जा रहे हैं अपने शरीर को स्वच्छ करने के लिए, लेकिन बल्कि हम अपने शरीर को और भी वायरस और बैक्टीरिया से प्रभावित कर लेते हैं। और घर में या पोल्ट्री फार्म पे या अपने और भी जिस जिस की ऑफिस हैं या अपनी अपनी जगह, और भी ज़्यादा नुकसान में जा रहे हैं। तो बहुत नाम मात्र सिर्फ 5-10 रुपए खर्चे से आप पानी के टैंक को बिल्कुल क्लीन कर देंगे। तो ध्यान से सुनिएगा आपको करना क्या है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर रोज के पोल्ट्री के रेट, अंडे के रेट, अनाज के रेट, चिक्स के रेट आपको मोबाइल पर चाहिए होते हैं, तो आप इस सब्सक्राइब करने के बाद बेल भी बजा दें, फिर ये आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। यही तो हमें हौसला देते हैं कि हम आपके लिए रोज वीडियोस लाते रहें। आपको ब्लीचिंग पाउडर 3 ग्राम से 4 ग्राम अच्छी क्वालिटी का मार्केट से परचेज करना है, और वो आपको पानी के टैंक में डाल देना है, और उस पानी को किसी बड़े डंडे से घुमा देना है। 15-20 मिनट के अंदर ही पानी के अंदर मौजूद सारे बैक्टीरिया और वायरस लगभग खत्म हो जाएंगे, और पानी का टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन थोड़ा वक्त जैसे आप उसको देंगे वो भी ठीक होने लगेगा। बहुत सारे पोल्ट्री फार्म वाले जो हैं बहुत महंगी दवाइयां दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मत दें, आप देना चाहते हैं दे, लेकिन ये बहुत सस्ता और बहुत इकोनॉमिकल है। जिनके पोल्ट्री फार्म नहीं भी हैं, छत पे पानी का टैंक भी जिसके है वो ये उसके लिए बहुत कामयाब है। और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनके बड़े बड़े ऑफिस हैं वो भी ये तरीका अपनाते हैं। इससे पानी के अंदर सारी की सारे बैक्टीरिया वायरस खत्म हो जाते हैं और क्लीन पानी मिलता है। लेकिन पोल्ट्री फार्म चलाने वाले एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपको वैक्सीन से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद ये पानी वैक्सीन के टच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये बैक्टीरिया और वायरस तो मारता ही है। ये वैक्सीन के जो वायरस हैं ना, जो लाइव वायरस हैं, उनको भी ख़त्म कर देता है।